सेना में भर्ती होने के लिए उत्तराखंड के युवाओं के मजबूत हौसले और मुश्किलों को दर्शाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में 19 साल का लड़का देर रात राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की सड़क पर आधी रात कंधे पर बैग टांगते हुए बिना किसी की परवाह किए दौड़े जा रहा है। इस वीडियो को उत्तराखंड मूल के फिल्मकार विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर शेयर किया है। कापड़ी ने जैसे यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर युवक के हौसले को सराहने वालों की बाढ़ आ गई। कापड़ी ने उसे कार से घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन बार बार अनुरोध के बावजूद लड़का मना करता रहा। सोशल मीडिया पर जिसने भी इस वीडियो को देखा, उसने युवक के हौसले की जमकर तारीफ की। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लड़के ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे युवक को इस तरह दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन युवक ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया और कहा कि वह दौड़ते हुए ही अपने घर तक जाएगा। फिर जब कापड़ी ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो युवक ने बताया कि वह नोएडा सेक्टर 16 के मैकडॉनल्ड्स में काम करता है। जब उन्होंने रात के समय इस तरह दौड़ने का कारण पूछा, तो युवक ने कहा कि वह सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाता। अजय, छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना, तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ से काम, कहाँ काम करते हो? मैगजी में, सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना है? गाड़ी में छोड़ देता हूँ, ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम ही अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे। जिस वजह से वह ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह जाता है, इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस हो जाती है। वीडियो में देखे गए इस युवक का नाम प्रदीप मेहरा है, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है। विनोद कापड़ी ने इस दौरान उस युवक से काफी सवाल पूछे, जिनके जवाब सुनकर कापड़ी भी भावुक हो गए। युवक ने बताया कि उसकी मां का इलाज चल रहा है और वह अस्पताल में भर्ती है। यहां वह अपने भाई के साथ रहता है और रोजाना इसी तरह 10 किलोमीटर दौड़ता है। युवक की बातें सुनकर कापड़ी उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। प्रदीप के जज्बे को देख हैरान रह जाते हैं। ये वीडियो पूरे पहाड़ में जमकर शेयर हो रहा है, जिस पर पहाड़ के लोग प्रदीप के जज्बे को काफी पसंद कर रहे हैं।